खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का हेच के इनियोस में खैर मकदम है। बतारीख 17 नवंबर बरोज़ जुमा को PWD ऑफिस में एक कशीदगी भरा माहौल देखा गया, जब बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष PWD ऑफिस पर पहुंचकर वहां पर हंगामा आराई करने लगे। इन लोगों का इल्जाम था कि गांव के ऑफिस आने पर ऑफिसर ऑफिस में मौजूद ही नहीं थे और कई मसाइल के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहां पर सिर्फ MLA और MLA के कार्यकर्ता ही अपने अपने काम चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि 3 मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया और न ही कोई काम किया गया। PWD ऑफिस में बहुत लूट मार चल रही है और कई सारी धांधलियां देखने को मिल रही है। यहां पर गरीब आवाम का कोई काम नहीं हो रहा है और वहां पर अपनी मनमानी देखी जा रही है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HK न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद ऑफिसर से पूछेंगे कि इनका क्या प्रॉब्लम है और काम सर। बाइट तो सभी हमारे BK9 न्यूज़, सभी हमारे HK न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका जर्नलिस्ट सुधाकर सुरेश। आज हम बीदर जिले के बसों कल्याण तालुके में, जैसा कि हमारे को बहुजन समाज पार्टी के हमारे BK9 न्यूज़ और HK न्यूज़ को लेटर लिखने के बाद हम यहाँ का न्यूज कलेक्ट करने आए हैं। अभी हमारे BK9 न्यूज़ HK न्यूज़ से लाइव आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तालुका अध्यक्ष चंद्र फुले जी, देखेंगे उनका अभी तक। सर आपका क्या प्रॉब्लम है? PWD विजिट किए, क्या काम नहीं हो पा रहा, क्या नहीं? अभी PWD में हम लोग कंप्लेंट दिया, एक ग्राम पंचायत में चनकपुर ग्राम पंचायत में स्कूल बिल्डिंग बांधे तो हम कंप्लेंट देके 2 महीना हो गया, अभी उसका कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। पूरा बिल्डिंग क्रैक हो गया, उसका ऊपर ऐसे ही पेंट मार दे, लोग सीमेंट दबा के पेंट मार दे उसको प्याक करके। अभी हाल में और एक इसमें भालकी रोड है, भालकी रोड में एक क्या किया, फूल डाले, फूल पूरा गरीब का पानी गरीब का घर में जा रहा है, वो भी गलत काम है। उसको भी कंप्लीट दिया, उसका भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, वो काम का कुछ दुरुस्ती नहीं है। हाल की ऑफिस में आते हम लोग, कभी भी साहब लोग नहीं रहते, ना जो रहते हैं ना इनका डबल साहब रहते, कोई नहीं है। हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको क्या है, अगर आने वाले कोई पूछने वाला नहीं है बोलते हैं तो कभी इनको MLA का रिक्रूट से काम कर रहे, कभी रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे, तो ये लोगों को BJP कांग्रेस का दोनों भी दलों में काम कर रहे हैं लोग, ऑफिसर लोग, तो इधर गरीब का लोगों को सुनने वाला कौन नहीं है। तो हमको ये पूछना है सरकार को, यहां से तो ऑलरेडी सरकार कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार या गरीब को भला करने वाला है क्या, गरीब को डुबाने वाला, हमको ये मालूम नहीं हो रहा है। जो भी ऑफिस में वर्क हो रहा है सिर्फ लीडर ही लोगों से हो रहा है, जनता का काम पूरा के पूरा यहाँ पे जो भी काम हो रहा है लीडर लोगों का काम हो रहा है, गरीब लोगों का किसी का भी काम नहीं हो रहा है। वो कितना भी घसने दे इधर, वो पूरा इधर दिन भर इधर आते जाते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। साहब MLA फोन पर करके बोलेगा हम इतना काम करेगा, उसको क्या है, वो हम आए तो प्रॉब्लम होता है तो उनका काम होता है, तो उधर कांग्रेस वाला फोन करके बोलेगा क्या है, उनका हमारा आदमी है वो काम कर, बोले तो खलास काम हो जाएगा। दूसरा अगर कोई आए तो उनका गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं। पूरा तालुके में हमारा बसों कल्याण तालुके में ये झड़पे है और तैयारी है, पीपी है, ये पूरे लोग क्या कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा गरीब लोगों को डुबाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों पॉलिटिकल में गरीब लोगों को बर्बाद कर रहे हैं लोग। कभी बोलते हैं वो कार्यकर्ता हमारा उनका काम करो, वो बोलते हैं हमारा कार्यकर्ता उनका काम करो, तो गरीब लोग कहां जाना भाई, तुम दोनों का काम हो तो गरीब लोग कहां जाना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई अधिकार देने वाला नहीं है, उनको समस्या है तो उसको क्लियर करने वाला नहीं। इसके लिए ये बसों कल्याण में बहुत तंग आ गया, पूरा अधिकारी लोग
टाइम पे नहीं आ रहे, कौन सा भी काम बराबर नहीं कर रहे, किसी को रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो शेड्यूल दो। ओके, और इसके इंडियो से बहुजन समाज के पार्टी के तालुका अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी पर एक सवाल उठाया है। हेलो, कोई अधिकारी नहीं कर रहा, उन्होंने स्टेटमेंट पटा कर खड़े नहीं यार।